दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। 5 ट्रक अस्थियां और राख पूज शमशान में हो गया है इकट्ठा। कोरोना महामारी क्या कई मान्यताओं को भी ध्वस्त करने जा रहा है? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन अनिवार्य बताया जाता है। कहा जाता है तभी मोक्ष प्राप्त होगा। अब भोपाल के भदभदा विश्राम घाट यानी शमशान घाट में कोरोना शवों के किए गए अंतिम संस्कार के बाद 5 ट्रक अस्थियां राख पूज इकट्ठा हो गया है। अब इन अस्थियों और राख को भदभदा विश्राम घाट यानी शमशान घाट के पास स्थित जंगल में डालने की, फेंकने की, विसर्जन की तैयारियां की जा रही है। कहा जा रहा है यह जंगल के पेड़ों के लिए अच्छी खाद साबित है। लोगों को यह पेड़ भरपूर ऑक्सीजन देंगे वगैरह वगैरह तर्क दिए। हजारों आत्माओं के शरीरों की अस्थियों की राख पर लोग चलेंगे। जब जंगल के हरे भरे पेड़ों को लोग देखने जाएंगे, हिंदू धर्म भूत प्रेत पुनर्जन्म को भी मानता है। अगर इस जंगल में भूत प्रेतों का ठिकाना बन गया तब, हालांकि वैज्ञानिक और आधुनिक युग इसे नहीं मानता। जो नहीं मानता उनके परिवारजनों की भविष्य में अगर कभी मृत्यु हो और उनका अस्थि विसर्जन इसी भोपाल के जंगल में कराने की अगर हम बात कहें, बुरा तो जरूर लगेगा। लगे बुरा, 5 ट्रक अस्थियां जिनके परिवार के लोगों की हैं, अगर वह हिंदू हैं तो उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? हिंदुत्व के ठेकेदार, सलाहकार, कर्मचारी सभी कमेंट बॉक्स में खुले मन से इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा।